मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र से डबल मर्डर की कहानी सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी पति और पिता मौके से फरार हो गया। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यहां महाराष्ट्र के अकोला का रहने वाला एक परिवार काम की तलाश में इंदौर आया था, लेकिन आरोपी ने अपने 11 साल के बच्चे की हत्या के बाद पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। मामले में मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा दोनों के शव कमरे में पड़े हुए थे। जांच कर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। आरोपी पति के पकड़े जाने के बाद ही हत्या की वजह का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, वहाँ एक 30-32 साल की महिला एवं उसके बेटे की हत्या का प्रकरण हुआ है जी। जो अभी तक प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये लोग महाराष्ट्र अकोला जिले के किसी गांव के रहने वाले थे और यहाँ काम की तलाश में 3-4 दिन पहले ही आए थे 9 तारीख को, और उन्होंने वहाँ एक कमरा उनके परिचित कोई एक व्यक्ति के यहाँ अस्थायी तौर से रह रहे थे कि काम मिल जाएगा तो हम अपना दूसरा ठिकाना बना लेंगे। इसी बीच जो जानकारी मिली कि वो जिसके यहाँ रह रहे थे उसने बताया फ़ोन पे थाने पे कि मैंने ताला खोला अभी 4 बजे नौकरी से आके, तो वहाँ उनकी लाश पड़ी हुई है, महिला की और उसके बेटे की, और वो जो उसका पति है वो फरार है। तो ये प्राथमिक तौर से उसकी जानकारी जो मिली है उसका नाम शारदा है और उसके पति का नाम कुलदीप है, और बेटे का नाम आकाश है। हाँ, वो नंबर मेरे पास में है, कुलदीप की तलाश कर रहे हैं। बोले हाँ, आप बोले जल्दी ही पकड़ लेंगे और 2025601 यही ना, सारा प्रकरण खुलेगा तो आपको और जानकारी देंगे। काहे से धारदार हथियार से गले पे वार है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।